तो फ्रेंड्स, ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन और ढेर सारे ईयरफोन, मतलब इतना ज्यादा ईयरफोन की क्या बताएं। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ओप्पो एनको M31 जो कि LDAC सपोर्ट करता है, उसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स इन्फिनिटी जो कि हार्मन की तरफ से आता है Glide 120 को। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं ओवरलुक कैसा है और कैसा ये दोनों परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है इन्फिनिटी Glide 120। अगर आपको इन्फिनिटी Glide 120 का वीडियो देखना है, कंपैरिजन रिव्यू देखना है वन प्लस के साथ, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। सबसे पहले जो हमारे पास है यहाँ पे इन्फिनिटी Glide 120, मैं आपको बता दूं कि ये एक हार्मन का प्रोडक्ट है। हार्मन इट इज इंटरनेशनल ब्रांड, यू नो वेरी वेल। तो फ्रेंड कुछ इस तरह का आपको एयरफोन यहाँ पे हार्मन की तरफ से मिल जाता है जो इन्फिनिटी Glide 120 का नाम से यहाँ पे आता है। और यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पे मेटल मिल जाता है, कुछ इस तरह का मैग्नेटिक सपोर्ट आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है और इस पे ऊपर ही बेजिंग यहाँ पे आपको इन्फिनिटी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह से। अगर हम किसी वायर की क्वालिटी की बात करें तो कुछ इस तरह का राउंड वायर हमें यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को मिलता है, फ्लैट वायर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। दूसरे साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक प्लस माइनस का जो है ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का आपको की मिल जाता है। बीच में आपको सेंटर में आपको कॉल डिसकनेक्ट और रिसीव करने का और पावर ऑन ऑफ का बटन भी आपको यहीं पे मिल जाता है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे बैंड मिलता है। यहाँ से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये नॉर्मल आई थिंक केस बैटरी केस और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी की बैजिंग मिल जाती है। बैंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट बैंड का यहाँ पे यूज़ किया गया है, मटेरियल इसका काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप इसे नॉर्मली एक हाथ में ऐसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में वेरी इजीली आप इसको रख सकते हैं, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं ओप्पो की तरफ। तो फ्रेंड्स ओप्पो का जो एनको M31 है वो कुछ इस लुक के साथ आ जाता है। मैं अगर इसकी लुक की बात करूँ तो मैं मतलब खुद को कहने से नहीं रोक पा रहा क्योंकि असम कलर फ्रेंड्स, मुझे कलर काफ़ी पसंद आया। मैंने जब इसको ऑर्डर किया मैंने देखा कुछ इस तरह का ओवरव्यू आपको लुक मिल जाता है यहाँ पे, काफ़ी अगर मैं देखूँ तो प्रीमियम फील होता है ये ईयरफोन। और अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसके जो ईयरबड्स हैं कुछ आपको इस तरह के मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मेटल का ऑप्शन नहीं मिलता फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक्स हैं और मैग्नेटिक सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है इजीली। और जो इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे ही मैग्नेटिक से कनेक्ट होता है फ्रेंड, ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है और काफ़ी सॉफ्ट है। और अगर हम इसकी वायर की बात करें तो इसमें भी आपको राउंड जो है वायर मिलता है। अगर मैं नेक बैंड की बात करूं तो नेक बैंड यहां पे भी काफ़ी सॉफ्ट आपको मिल जाता है। और ये जो नेक बैंड है अगर मैं ग्लाइड के साथ अगर इसका कंपैरिजन करता हूं तो ये नेक बैंड जो है नॉर्मल शेप में ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये ग्लाइड 120 का जो है शेप जो है चेंज होता रहता है, वो बस नॉर्मल एक तरह का वायर की तरह का उन्होंने दिया हुआ है। तो नेक बैंड के मामले में काफ़ी सॉफ्ट भी है और आपके नेक पे काफ़ी होल्ड ये ग्रिप बनाए रखता है, तो इस मामले में ये इसका तरफ से प्लस पॉइंट है इसका। अगर मैं इसकी ओवरव्यू की बात करूँ तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे काफ़ी प्रीमियम फील होता है। ओप्पो के यहाँ पे बेजिंग मिल जाती है और ये जो गोल्ड कलर की जो फिनिशिंग दी गई है फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको जो है वो पावर ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन मिल जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन की आपको की मिल जाती है और इसी पावर ऑन ऑफ बटन से आप कॉल को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक को आप प्ले और पॉज कर सकते हैं। दूसरी साइड अगर हम फ्रेंड बात करें तो यहाँ पे आपको सेम उसी तरह की गोल्ड फिनिशिंग, ओप्पो की बैजिंग और पीछे की तरफ ये गोल्ड फिनिशिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे आई थिंक इट इज़ अ बैटरी केस और वायर आपको यहाँ पे राउंड वायर मिलता है जो कि स्किन कलर का वायर है, तो काफ़ी यूनिक लगता है ये देखने में फ्रेंड्स। ओप्पो की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इसमें फास्ट चार्ज का भी सपोर्ट करता है, आप इसको फास्ट चार्ज से भी चार्ज कर सकते हैं। अगर हम ग्लाइड 120 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको माइक्रो मिलता है और इसमें आपको कवर भी मिलता है ताकि आपको डस्ट वगैरह कुछ ना जाए। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है,